माय डियर स्टूडेंट, पार्ट 7 और क्वेश्चन 3 इन एन एपी, एक एपी में दिया गया है ए बराबर 8, ए एन बराबर 62, एस एन बराबर 210 और आपको एन और डी की वैल्यू दिया गया। देखिए कैसे करें, यहां पर एस एन 210 दिया हुआ है, अर्थात ये जो एपी बनेगी उस एपी के जितने भी पद हैं, टर्म्स हैं, उन सबका योग 210 है। और योग का फॉर्मूला आप जानते हो, योग का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2 गुणा 2a, इसके अंदर जोड़ेंगे एन माइनस 1 को ए से गुणा करने के बाद, उन दोनों को जोड़ेंगे फिर एन बटा 2 से गुणा करेंगे, ये फॉर्मूला था। अब देखिए हमारे पास में एस एन जो दिया है 210 है, ठीक है, इसको तो हम 210 लिख देते हैं। एस एन कितना 210, किसके बराबर है, एन बटा 2। अब एन तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, एन बटा 2 लिखेंगे, पता नहीं 2a, 2a हमें पता है a बराबर 8 है, तो 2a का बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस अब n हमें पता नहीं है। देखिए क्योंकि यहां पर n भी पता नहीं है और d भी पता नहीं है, दोनों हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला के बजाय हम दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो डालेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसके बजाय आप जो है एस एन इक्वल टू एन बटा 2, इसको आप गुणा कीजिए ए प्लस ए एन से, क्योंकि यहां पर ए एन दिया हुआ है, इसीलिए हम जो है यहां पर ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आसान हो जाएगा। यानी ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में यूज करने के लिए हमारे पास में दो चीजें नहीं है, डी भी नहीं है और एन भी नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ए की भी वैल्यू है, ए एन की भी वैल्यू है, खाली एन की नहीं है। ओके, अब देखिए क्या आएगा, एस एन यानी 210 बराबर एन बटा 2, एन बटा 2 यानी ये हम ले देंगे एन बटा 2, इसको गुणा करेंगे ए प्लस ए एन से, तो ए कितना है 8 प्लस ए एन कितना है 62 इक्वल टू एस एन कितना है दिया हुआ है 210। ये हमारा फॉर्मूला ज्यादा कारगर होगा, यानी हम कहेंगे कि एन बटा 2 गुणा, अब 8 और 62 कितना हो गया 70 हो गया, बराबर 210। ओके, या हम कह सकते हैं कि इसको 8 दीजिए 2 को 70 को 35 हो गया, तो 35 एन बराबर 210, तो एन बराबर क्या होगा 210 भाग 35, यानी 35 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6। एन की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, ये वाला हमको पता लग गया 6 है, ये उत्तर हम आ गया। अब हमारे पास में डी की वैल्यू ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है 62 ए एन, एन की वैल्यू 6 है, तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें क्या क्या उपलब्ध है, यहां ए एन हमें उपलब्ध है, यानी ए एन हमारा जो है वो है 62 इक्वल टू ए कितना है 8 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 6 में से एक घटा दो 5 हो गया, तो 5 को गुणा किया डी, यानी हमारे पास है नहीं, इसको डी रहने दो, यानी हम कहेंगे यू कर सकते हैं कि ये 5 डी है, इसको इधर ले आओ 5 डी, 5 डी इक्वल टू 62, और ये जो प्लस का है इसको आप माइनस कर दो माइनस 8 यानी 54, तो 5 डी बराबर 54, तो डी बराबर 54 डिवाइड बाई 5 54 बटा 5, बस यही हो गया आपका डी, आपको डी पता करना था ना, डी हो गया 54 बटा 5, दोनों आंसर आ गए, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।